बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे आप लोगों को जो प्रोग्रेस है वो जरा ऑन ग्राउंड वाटर पार्क की दिखाने के लिए, ये हमारा वन स्टॉप प्लाजा है जो इंटरिम ऑफिस बन रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, और ये हमारे हॉर्सेज हैं, इसके नीचे सेकंड टॉप है, तो वहाँ से आप इधर आ जाएँ। ये हमारा वाटर थीम पार्क है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको दिखा रहे हैं कि इसकी कितनी कंस्ट्रक्शन, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इसका सारा जो मेन एंट्रेंस बिल्डिंग है, अरे मुझे इसका प्लान दिखाएंगे इस बिल्डिंग का, ये सारी का, ये जो हमारी एंट्रेंस बिल्डिंग है जो दुनिया में हर बड़े वाटर थीम पार्क के साथ उसके एग्जिट पे एक सुवेनियर शॉप बनती है और उसकी एंट्रेंस पे लॉकर्स बनते हैं, एक टिकटिंग हाउस होता है, यहाँ पे वो खूबसूरत गेट है जो वाटर पार्क का डिज़ाइन किया जा रहा है और चाइना से डिज़ाइन हो गया है, थीमेटिक है, इसके ऊपर सारे लगे हुए हैं जो करेक्टर्स हैं डिज्नी के वो लगे हुए हैं। और ये आज आपको चल फिर के सारा वाटर पार्क दिखाते हैं कि ये वाटर पार्क कहाँ क्या बन रहा है। यहाँ पे ये सारी बाहर पार्किंग है जी, पार्किंग ये सामने पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग से आप अंदर यहाँ से पैदल आएंगे। ये टिकटिंग हाउस और ये लॉकर एरिया हो गया जी, और यहाँ पे जो उसका एंट्रेंस पे एक रेस्टोरेंट है और उसके बाद सुवेनियर शॉप है। यहाँ से आप वॉक करते हुए पूरे वाटर पार्क का जरा डिज़ाइन दिखाएंगे, मैं ब्रीफ करूं। ये देखिए जी, इस वक्त हम यहाँ से एंटर होके इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये वो बिल्डिंग है देखिए, और ये इसका डिटेल प्लान का, ये उस बिल्डिंग है, ये लॉकर रूम है, ये जी इसके लॉकर एरिया, और ये सारे इसके वॉशरूम्स और शावर एरियाज हैं, यहाँ से आप शावर लेके, क्योंकि ये एक मैसिव वाटर पार्क है तो इसमें क्राउड्स एक्सपेक्टेड हैं। और ये आपका वो एंट्रेंस पे एक रेस्टोरेंट है उसके बन रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पे एक हमारा सेंटर में इस जगह पे फाउंटेन होगा जिस तरह के बड़े वाटर पार्क्स में होता है। आगे चलो, बाकी डिटेल ड्राइंग है, और ये इसके अब ये डिफरेंट फीचर्स हैं, ये बड़ा हमारा वो बन रहा है सुनामी वाटर वेव पूल बन रहा है, फिर ये उसके साथ ये बड़ी राइड है ये बन रही है, ये एरिया हम आपको आज दिखाते हैं। ये कितनी दूर है यहाँ से, गाड़ी पे चलेंगे पैदल, इसका आरिफ साथ साथ जो अर्थवर्क है ना वो कराते जाएं ताकि इसकी शक्ल निकलती है ना, बिल्डिंग्स तो बनती रहेंगी। वेव पूल के लिए जी जो पंप है वो यहाँ पे उसका पंप रूम बन रहा है, इसके अंदर वो सबमर्सिबल पंप्स इंस्टॉल होंगे। आज थोड़ी सी आपको फीलिंग आएगी कि इस पार्क में वॉक करने की कितनी कैपेसिटी होगी, और ये सामने आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बड़ी राइड के साथ ये पंप रूम, ये वाली बड़ी राइड यहाँ पे बन रही है जो ये पूरी यहाँ से स्लाइड नीचे आएगी, ये उसका स्टेशन बन रहा है लैंडिंग स्टेशन, और ये उसके कॉलम्स बन रहे हैं जिसके ऊपर उसका स्लाइड का सारा स्ट्रक्चर रेस्ट कर रहा है। और ये सामने ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्लेटफॉर्म के लिए बन रहा है, ये ऊपर एक हाइट पे जाएगा और वहाँ से नीचे आ पाएंगे। और ये जी वो बड़ा जो वेव पूल है जिसके इर्द गिर्द और छोटी राइड्स हैं और बीच में एक बड़ा मेजर वेव पूल है, ये उसके बेड की सारी कंक्रीट और ये सामने पंप रूम ये सारा डेवलप हो चुका है, तो इसकी एक आर्टिफिशियल बीच डेवलप होगी और ये अब हम बीच की तरफ वॉक कर रहे हैं। इसका भी लेवल मेंटेन हो गया, वो जो बनाना ये जी यहाँ पे वो आप इस वक्त जो वेव पूल है उस जगह पहुँच चुके हैं, और ये सामने उसका पंप रूम बन रहा है और पीछे उसका प्लेटफॉर्म बन रहा है, और इस सारी जगह पे समुंदर की तरह वेव्स आएंगी, और यहाँ पे इसके इर्द गिर्द यहाँ बीच बनी होगी, मैं आपको प्लान पर दिखाता हूँ। ये जी एरिया, तो ये सारी बीच की वो पड़ी हुई हैं जो चेयर्स पड़ी होती हैं, और ये सारा वेव पूल का एरिया, इसके साथ यहाँ दो तीन राइड्स हैं, एक ये राइड है, फिर एक ये राइड है, और फिर एक ये राइड है। तो इसका हमने आइडिया रखा था जिस तरह से वाइल्ड वाटी वाटर पार्क में कम वॉकिंग डिस्टेंस पे राइड्स आपस में एक दूसरे के करीब हैं, एक वहाँ पे वाटर पार्क एटलांटिस बना हुआ है, एटलांटिस में राइड्स दूर दूर हैं, बहुत वॉक करनी पड़ती है, तो जो वाइल्ड वादी है उसमें वॉक रिलेटिवली कम है। अभी हमने थोड़ी सी वॉक की और सांस चढ़ गए हमें, तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितनी हेल्दी एक्टिविटी है ये डिवेलप हो रही है। ये वेव पूल की एंट्रेंस है ये जी, जो हमारी एंट्रेंस है जो बाहर आपने पिलर्स देखे हैं वो इस तरह की बन रही है, ये उसकी डिटेल ड्राइंग्स हैं, और ये जो हमारे आर्टिफिशियल बीच में पहाड़ बनने हैं उनकी ड्राइंग्स हैं।
या इस तरह शक्ल निकलती जाएगी। और यहाँ से खड़े होके जिस तरह दुबई में आपको वाटर पार्क में खड़े होते हुए सामने बुर्जुल अरब नज़र आता है, इसने अभी अपनी डबल हाइट और लेनी है, तो यहाँ से आपको बुर्जुल अरब नज़र आया करेगा और यहाँ आप पार्क इन्जॉय करेंगे। और यहाँ सामने भी ऊपर एक इंशाल्लाह होटल डेवलप करेंगे, उस होटल से या होटल होगा या अपार्टमेंट्स होंगे, होटल अपार्टमेंट्स, वहाँ से ये सारा व्यू नज़र आया करेगा वाटर पार्क का। तो और यहाँ सामने हमारे अपोजिट ऑर्बिटल अपार्टमेंट्स होंगे, उनसे भी इस पार्क का व्यू होगा। द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी व्हेन दिस पार्क इज़ डेवलप्ड और ऑल द प्रॉपर्टीज सराउंडिंग इट, ऐसी रेट्स होंगे जैसे दुबई में डेवलप होती है प्रॉपर्टी तो होते हैं। और यहाँ से हमें पीछे हॉर्स मैस्कॉट्स भी नज़र आ रहे हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर से घोड़े का सर नज़र आ रहा है, और दूसरी बिल्डिंग ये नज़र आ रहा है। ये व्यू आपको दुबई में भी नहीं मिलता, इसके लिए आपको स्कॉटलैंड जाना पड़ता है। तो यहाँ स्कॉटलैंड का व्यू और दुबई का व्यू एक जगह पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द वाटर पार्क। इस तरह से हर राइड के नीचे जो फाउंडेशंस हैं, जैसे एक यहाँ पे ये फाउंडेशन बन रही है, एक इसके पीछे बन रही है, तो जहाँ भी जाएँ इस वक्त फाउंडेशन पर काम हो रहा है, उसके बाद ये डिटेल्ड में, और इस तरफ बिल्डिंग्स पर काम हो रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा और स्ट्रक्चर निकलेगा, जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं आजकल आए हुए हैं और वो अपनी सुपरविजन में ये डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में भी एक डिटेल्ड वीडियो आपसे बना के इंशाल्लाह शेयर करते हैं।